अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक यू मिल के किचन में आपको खुश आमदीद करते हैं एक दफ़ा फिर एक नई रेसिपी के साथ, और इस उम्मीद के साथ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होंगे, वीडियोस को लाइक कर रहे होंगे और वीडियोस पे कमेंट्स भी दे रहे हैं आप। माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग को चीज़ें पसंद आ रही हैं, आप लोग ट्राई कर रहे हैं और बहुत एक्यूरेट आप लोगों का रिज़ल्ट आ रहा है। यही हम चाहते हैं, यही हमने इसी वजह से ये चैनल स्टार्ट किया कि आपको अच्छी अच्छी नई नई देसी और कॉन्टिनेंटल सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएं। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है हमारे पास जो ये हरी दाल होती है छिलकों वाली, इसकी खिचड़ी। ये घरों में आम बन रही होती है, आप हमारे स्टाइल से बना के देखिएगा कि कैसी बनती है और आपको कैसी लगती है, ठीक है। और आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको पसंद आई हमारे स्टाइल की बनाई हुई खिचड़ी। अच्छा, खिचड़ी के साथ अमूमन हरी चटनी और लाल चटनी जो होती है, रायता होता है, ये सारी चीज़ें जा रही होती हैं। लेकिन इन इंग्रेडिएंट्स के साथ जब आप बनाएंगे तो आपको सिवाय दही के, रायते के और किसी भी चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। अच्छा, इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताऊं, इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट देखें हम यूज़ कर रहे हैं इस खिचड़ी के अंदर जो इसके फ्लेवर को इन्हेंस करेगा, वो है ये मेथी दाना जो अचार में भी यूज़ होता है, और फेन्युग्रीक सीड्स कहते हैं इसको। अच्छा, ये तेज़पात के 2-3 पत्ते छोटे छोटे इस तरह ले लीजिएगा या एक पत्ते के 2-3 टुकड़े कर लीजिएगा। इसमें 1/4 जा रहा है हल्दी पाउडर, और ये 2-3 या 4-5 ये लौंगे, 4-5 काली मिर्चें, 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, 1 बड़ी इलायची, बादियान के फूल इसमें जा रहे हैं तकरीबन 1 या 2, या अगर टूटे हुए पीस हों तो 4-5 इसके फूल ले लीजिएगा। 4-5 फूल से मतलब उसकी पत्तियाँ, पूरा फूल नहीं, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, फिर वो पूरी खिचड़ी में सिर्फ इसी का फ्लेवर आ रहा होगा। लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा 1 टेबल स्पून, नमक हमारे पास जा रहा है 1 टेबल स्पून प्लस 1 टीस्पून, ठीक है। अच्छा, ये ज़ीरा हमारे पास है, बिल्कुल वैसा कोई भुना हुआ कुछ नहीं है, सादा ज़ीरा, ये है 1 टेबल स्पून। प्याज हमारे पास है 1/2 कप, ऑयल हमारे पास है 1/4 कप, सॉरी 1/2 कप ऑयल भी हमारे पास, क्योंकि चावल थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा लेता है और खिचड़ी ज़रा खिली खिली सी बनती है। अच्छा, जो ये दाल है मेरे पास ये है 250 ग्राम, और राइस हमारे पास है 500 ग्राम। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता है, इसी सा रेशो से आप लीजिएगा तो आपकी बहुत एक्यूरेट है वो बनेगी खिचड़ी। कभी ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा दाल नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा चावल नज़र आ रहे हैं, कभी भी खिचड़ी में दाल चावल का बराबर का रेशो नहीं होता। हमेशा खिचड़ी में याद रखिएगा कि चावल ज़्यादा होता है और दाल उससे कम होती है, कहीं पर थोड़ी आधे से ज़्यादा होती है, 1.5 का रेशो होता है और कहीं पर 1/2 का रेशो होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे। व्यूअर्स देखिए, अब ये हम क्या करना है, हमें दाल खिचड़ी के जो बघार बनाए थे ये हमने 1/2 कप ऑयल इसके अंदर डाल दिया। अच्छा, एक चीज़ मैं स्किप कर गई हूँ, भूल गई हूँ, आप जो है वो करिएगा, दाल और चावल जो मैंने आपको दिखाए उनको आप धोइएगा, धो के अच्छे से भिगो के मिक्स करके और छोड़ दीजिएगा आधे घंटे के लिए, जो मैं कर चुकी, लेकिन मैं आपको जो है वो रह गया स्टेप आपको बताना, ठीक है। उसके बाद हम ये बघार तैयार करने के लिए तेल डाला हमने, और ये प्याज इसके अंदर डाली। प्याज को जो है हम हल्का सा कलर देंगे, हल्का सा नहीं, थोड़ा ज़्यादा कलर देंगे तो ये ज़्यादा का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। प्याज को हम लाल कर लेंगे, बस जब तक ये लाल होती है फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमें क्या करना। अच्छा, आप देखिए इस टाइम पे जब ये प्याज हमारी बिल्कुल लाइट गुलाबी सी होगी, इस दौरान हम ये मेथी दाना डालेंगे। मेथी दाने को अच्छे से साफ़ करके रखा करें, इसमें कभी कभी पत्थर इस तरह की चीज़ें होती हैं। इसको हम हल्का सा भूनेंगे इसी प्याज के साथ गुलाबी रंग आने तक, फ्लेम बिल्कुल स्लो रखेंगे थोड़ा सा। जब आप देखेंगे मेथी की खुशबू आनी शुरू हुई है तो उसके बाद हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक, ठीक है। ये लहसुन अदरक का पेस्ट हमने डाल दिया, इसको हल्का सा सौते करेंगे, अच्छा सा ज़रा सा लहसुन को हम कलर आने तक थोड़ा भुन जाए। देखा आपने लहसुन का प्यारा सा कलर और खुशबू आने लगी, इस दौरान फिर हम डालेंगे ज़ीरा। ज़ीरे को भी हम हल्का सा देंगे, इसको कलर आने देंगे, थोड़ी सी खुशबू आएगी, उसके बाद बस अब हम ये डालेंगे गरम मसाला। प्याज अपनी जगह होती रहेगी, और ये जो कलर आप देख रहे हैं इसी की वजह से इसका खिचड़ी का जो फ्लेवर है वो इन्हेंस होगा। अब हम इसमें हल्दी और ये तेज़पत्ता ये डालेंगे, बस इसको हम हल्का सा मिक्स करेंगे
थोड़ा सा हम पानी डालेंगे। अच्छा, अब हम इसमें ये सॉल्ट हमने डाल दिया, ज़रा सा एक उबाल आता है इसको ढकती हूँ मैं, एक उबाल आएगा तो बस। देखिए पानी अभी हमारा थोड़ा सा और जाएगा, मैं आपको टोटल बताऊँगी पानी कितना गया हमारा। बस ये हल्का सा इसमें उबाल आता है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने जो चावल और दाल को मिक्स करके भिगो के रखा है वो किस वक्त डालना है। अच्छा ये देखिए, ये चावल और दाल मैंने इस तरह से भिगो के तकरीबन आधा घंटा हो गया। अब इस टाइम पे हम इसमें इसे एक उबाल आने के बाद अब ये हम सारा इसमें डालेंगे। तो आपको लग रहा होगा कि इसका जो रेशो है नज़र आ रहा होगा ना आपको, कहीं कहीं दाल और चावल बराबर से लग रहे होंगे, वो इसी वजह से है कि हमने चावल 500 ग्राम और दाल 250 ग्राम लिए। ठीक है, अच्छा अब हम इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। इतनी अच्छी जो है व्यूअर्स, इसमें से मेथी दाने की और प्याज की, लहसुन अदरक की जो अरोमा आ रहा है वो बहुत अच्छा आ रहा है। अच्छा अब हम इसमें पानी डालेंगे तकरीबन 500 मिलीलीटर। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो आपको पता है हम ज़माने से और कहना चाहिए कि तरीका ख़वातीन का चला आ रहा है चावलों को ये चेक करने का कि इसमें पानी कितना होना चाहिए, वो दोनों तरीके मैं आपको बताती हूँ। देखिए आपने इसको लेवल कर लिया, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद हमने क्या किया कि आपने इसमें उंगली डाली और चावल जहाँ तक टच हो रहे छोड़ दिया। हमारी जो ये है फिंगर इतनी यहाँ वाली, इस चावल के ऊपर इतना पानी होना चाहिए तो चावल बिल्कुल एक्यूरेट आते हैं। अभी इसमें कमी है, मैंने चेक किया, देखे मेरी फिंगर इतनी सी डिप हुई है। इस टाइम पे आप सॉल्ट को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तकरीबन 500 ml वो पानी गया था और 250 ml ये जा चुका। तकरीबन 4 कप आप समझिए चला जाएगा इतने चावल के उसमें पानी, ठीक है। ये जो जग होता है, ये वाला जग जो मेजरिंग का होता है, ये 2.5 कप होते हैं इसके अंदर, 2.5 कप। फिर मैं चेक करूँगी और ये देखें अब मेरी इतनी फिंगर हुई है, थोड़ा सा कम है इसमें पानी, थोड़ा सा मैं इसमें और डालूँगी। तकरीबन आपका 2.5 और ये आधा गया है तो 3, वही मैंने आपको बताया तकरीबन 4 कप पानी जो है आपका चला जाएगा। अब मेरी फिंगर इसमें पूरी डिप हो गई है, ठीक है। इसमें एक उबाल आने तक मैं इसका इंतज़ार करूँगी और उबाल आके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको हम कब कवर करते हैं। अभी हम इसको खुला पकाएंगे, बिल्कुल कवर नहीं करेंगे। अच्छा आप देखिए व्यूअर्स, पानी खुश्क हो चुका, तकरीबन 10 मिनट लग गए इसको, 5 से 10 मिनट। ये देखिए बस इस कंडीशन पर जब ये होगी तो हम क्या करेंगे, इसको ढाक के कवर करके और इसको हम फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे दम के लिए। बस अब मैं आपको दिखाती हूँ प्रेजेंट करके कि ये कितनी प्यारी लगेगी। सॉरी व्यूअर्स, मैं ये भूल गई थी, इसमें दम के वक्त मुझे हरी मिर्चें बहुत पसंद है तो मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर करूँ कि आप भी इस तरह से हरी मिर्चें बीच में से धो करके और ये डाल दें दम के वक्त, तो ये बड़ी मज़े की लगती है, इसकी अरोमा बहुत अच्छा आता है। ये व्यूअर्स देखिए, ये हरी छिलकों वाली मूँग की खिचड़ी तैयार है, इसको आप इंजॉय कीजिए। अच्छा इसमें जो आपको मिर्चें नज़र आ रही हैं वो हमारी पीनट चिल्लीज़ हैं, इसकी रेसिपी मौजूद है, मैं आपको उसमें आप वीडियो में इसका डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी वो मिल जाएगा लिंक, आप इस रेसिपी को भी ट्राई कीजिएगा। और हमेशा की तरह यही कहूँगी कि अपने और अपने अतराफ़ के लोगों का बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुश रहने दीजिए और खुश रखने की भी कोशिश कीजिए अच्छा अच्छा पका के। मिलते हैं आपसे फिर किसी नई होम रेमेडी, किसी नई इन्ग्रीडियंट, किसी नई रेसिपी को लेके। ईट हेल्दी, फील हेल्दी।